भाई अगर है तो वो अगर वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप में किसी किसी के अंदर कोई भी टीम किसी दूसरी टीम दूसरी को लेकर आ सकती है ना वापस बताएं किस टीम में ये है। <laughs> ये आपका भाई, आपके भाई की टीम पाकिस्तान वो पठान पा, वो तो आउट है लपाड़ों का भी लपाड़ा है लपाड़ा है ये जितने लपाड़े सिर्फ मेरे 83 वाले पुराने बैच के जो है ना जो मेरे बचपन के वो स्टार्स हैं हेलो और मैं हूं और फवाद मुस्तफा वही गाना दोहराऊंगा जो मैं बिक गई कैसे हुआ बिल्कुल जी अगर ये पाकिस्तान टीम होती तो बिक गई ये गवर्नमेंट वाली आं, आंटी जो है उनके जैसी गुफ्तु इस वक्त हमारे मोहल्ले में शुरू हो चुकी होती पूरे सोशल मीडिया पे कैसे खा गए हैं बिक गया ये मैच फिक्स था इस टीम से तो हार ही नहीं सकते तो ये सब होना था नहीं कर सका। बिल्कुल। और हाँ। ये कप्तान जो है हालांकि पर्ची है फिर भी हम वो लोग नहीं हाँ। कहते वो सो जाता है फिर भी उसे कुछ नहीं कहते यार जस्ट वो सो गया, आपने उसे पर्ची बना दिया आप सुनने सब लोगों से कोटे पे आया हुआ है मसला सारा ये है कि भाई ये कैसे हारी है मेरी बिल्कुल हजम नहीं हो रहा बिल्कुल समझ मैं नहीं मैं बताऊँ क्या वो पहले उनका से तो एक अपसेट हो चुका था बस उसी खौफ मुझे ऐसा लग रहा है अब चुड़ैल बन के आएंगे नेदरलैंड के सारे प्लेयर जो है ना साउथ अफ्रीका के खाबों दो में फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ जो उन्होंने रन करवाए ना आखिरी तीन ओवर्स में उसके बाद 245 उनको समझ ही नहीं आया कि वो वहीं से तो फिर फोर्टी था यार एक टीम जो 425 रन बना रही है आपको लग रहा है कि वो 245 है सादिया अलग okay. प्रेशर होता है इन टीम बारिश हुई थी, इन सेकंड तो उनको मुश्किल होना चाहिए हारना नहीं है लेकिन छोटी टीम बिल्कुल जो आपसे कमजोर टीम होती है इस दर्जे की आपको उसके अंदर एक खौफ होता है इनसे हारना नहीं है इनसे हारना नहीं है वो खौफ आपको हारवाता है Oh. इन सबसे हार जाओ इनसे नहीं हारना सही। तो आपसे भी गलतियों हो गलतियां होती हैं आप देखें प्रेशर में सारे आउट हो गए वो जो I इतने बैठे हुए शहजादे कि साउथ अफ्रीका देखना यूं है और ये इंग्लैंड hmm. तो अच्छा तो वो, वो इंडियन एनालिस्ट और एक्सप्लायर जो है ना वो उन्होंने अपनी सेमीफाइनल चार टीमें दी थी ना उसमें इंग्लैंड को तो दे पीछे कर दे और अगर किसी ने साउथ अफ्रीका दी थी उसको भी जरा सा खेच ले मुझे लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जितना गंदा बड़ी बड़ी टीमें खेल रही है ना पाकिस्तान का चास्टरत के साथ बड़ा स्ट्रॉन्फ्स में कहूंगा इंडियन एनालिस्ट और सबक प्लेयर जितने को फारिग नजर आ रहे हैं ना टीवी पे अल्लाह माफ करे सिवाय इंडिया का वो भी उन्हें पता है कि जी स्पॉन्सरशिप और इतना बड़ा बोर्ड है उनकी तारीफों के बाकी सिर्फ लपाड़े मार रहे हैं सारे इंडियन एनालिस्ट और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं लपाड़े मार रहे हैं किसी ने यूमो ऑस्ट्रेलिया को शुरू में चढ़ा दिया था किसी ने इंग्लैंड को यूं चढ़ा दिया था सिवाय पाकिस्तान को नीचे गिराने और इन टीमों को ऊपर ले जाने के लिए इसके अलावा भाई अगर, तो अगर वर्ल्ड कप में किसी अगर वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी टीम किसी दूसरी टीम को लेकर आ सकती है ना वापस बताएं किस टीम में एबिलिटी है हां मैं यहां आपका भाई आपके भाई की टीम पाकिस्तान वो पठान वो वो तो आउट लपाड़ों का भी लपाड़ा है, <laughs> ये, भी लपाड़ा। भी लपाड़ा है। ये जितने हैं लपाड़े हैं ये सिर्फ मेरे 83 वाले पुराने बैच के जो है ना जो मेरे बचपन के हैं <laughs> वो स्टार्स हैं मोहिंद्र मन्ना बिशंत सिंह बेदी कपिल देव गवास्कर ये नए छोकरे लपाड़े हैं इनको मैंने कह दिया ना ना मेजोरिटी लपाड़े हैं दूसरा हीरो है मेरा सचिन ग्रेट छोरेगा सौरभ सौरभ कर दिया सौरभ का लेकिन बाकी छोटे है ना दस दस मरणे वाले ये जो इरफान पठान है मशहूर हो रहे होते लपाड़े हैं सारे सही है आगे चलते हैं अच्छा पी एस एल के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है

करवाया yes. और इतनी तनकीद हुई थी ना उस वो इन के पर कि जी, आ, उनका वो लेवल नहीं है जैसे बाकी लोग करते हैं रमीज की तरह नहीं करती इसकी तरह नहीं करती गुड न्यूज so well बड़ी अच्छी चीज़ है एक खातून आ रही है फास्ट बॉलिंग कोच के तौर पे आ रही है मुल्तान सुल्तान को इसके लिए बड़ा क्रेडिट दिया जाता है मुबारकबाद वो भी खुद बहुत एक्साइटेड थी hmm. उन्होंने भी ट्विटर पे ट्वीट किया बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया मुख्तान सुल्तान का एक आयरिश आयरिशॉर्मर प्लेयर भी हैं वो और वो आके यहाँ कोचिंग करेंगी और बड़ा अच्छा एक इमेज ओवरऑल भी पाकिस्तान का और जाएगा पी एस एल के लिए भी बड़ा अच्छा होगा और अली तरीन की तारीफ बनती है वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अब वो डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं प्लेयर्स की तो ये लोग इस तरह से काम करते रहेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ेगी ये बहुत सारी उम्मीदें अच्छा what do you have to say about कामेंट के विराट कोहली हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी एट इंक्लूजन जो है क्रिकेट का ट्वेंटी ट्वेंटी एट के Olympics के लिए Los Angeles में जो हो रहे हैं What आपका क्या उसके ऊपर कब एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस तरह से किसी प्लेयर को किसी चीज़ के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा होता है कि यू नो उनका एक इम्पैक्ट था जिसकी वजह से जो है ओलंपिक्स में क्रिकेट आ रहा है लेकिन कोहली एक ऐसा क्रिकेटर है जिससे सारी दुनिया के क्रिकेटर्स को सीखना चाहिए उस शख्स की जो पर्सनालिटी है ना वो अंदर जितना भी गर्म हो गुस्सा करे लेकिन उसने अपना इमेज ऐसा बना लिया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान की भी आप बात करेंगे तो सिर्फ एक प्लेयर की लोग तारीफ करते हैं वो कोहली है क्योंकि वो खेल इतना खूबसूरत खेलता फिर वो बगैर किसी वजह के किसी भी मुल्क के अगेंस्ट बात वेरी लार्जर और वो, तो वो ग्रोम हुआ, हुआ है और उसको काफी हद तक और बेहतर करने में जब उसकी शादी हुई तो उस अनुष्का का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बाज अव आपके अंदर कुछ चीजें होती हैं तो आप, जो आपके पार्टनर्स है वो आपको बताते हैं कि जी क्या क्या चीजें आप और बेहतर कर सकते हैं वो भी खुद एक बहुत बड़ी स्टार है ये भी स्टार है यार आप विराट कोहली के फैन फॉलोइंग तो देखें ना विराट कोहली की फैन फॉलोइंग तो देखें अच्छा कोई भी अगर एशिया से बड़ा प्लेयर निकल कर आता है ना दो चीज़ें होती हैं एक तो क्रिकेट की अपनी एक फॉलोइंग इन एशियन कंट्रीज के अंदर बजाते खुद बहुत बड़ी है फिर दीगर मुल्कों में जहां पर फुटबॉल ज्यादा देखा जाता है यूरोपियन कंट्रीज वो, वो है।, है, है उनके साथ होता हुआ नजर नहीं आएगा लेकिन जब इस तरह से एशिया का कोई प्लेयर निकलता है तो उसके पास बहुत चांस होता है और आई थिंक यही वो एक्सपोजर है जो प्लेयर अगर पॉजिटिव ले लें तो अपने आप को ग्रूम कर लेट विराट कोहली डेट देखिए कुछ प्लेयर थे जैसे इमरान खान जब खेलते थे उनको भी पूरी दुनिया में और इंडिया में हालांकि हमारा इसी तरह से मुकाबला रहता था hmm. इसी तरह उनसे प्यार किया जाता था इसी तरह अब विराट कोहली आया है सचिन था hmm. उनसे भी ऐसे ही hmm. लोग प्यार करते हैं वसीम दो अकरम दो थे तो ये कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत पे ये चीज़ें आती कि जो कंट्रोवर्सीज़ में नहीं रहते और बाकी दुनिया के लोग भी लगता है कभी कभी ना ये हायर पावर जो भी हो जिस पे भी, भी आपका बिलीफ हो ये उसकी देन भी होती है कुछ लोगों के लिए ना ये फेम लिखा हुआ होता है और बहुत वेल वेल डिजर्विंग है मैं है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उनका इन्फ्लुएंस इस तौर तक काम करता है उनकी पर्सनालिटी का और बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, गेम का अच्छा जरा आगे चलते हैं मुझे बीसीसीआई आ... टर्निंग सी सुनने अरे ये तो हम भूल गए थे हाँ हाँ पहले मैच का टर्निंग पॉइंट देखते हैं कि किस तरह से साउथ अफ्रीका लुढ़क गए फिर आते हैं अपसेट पे अपसेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है और आज दूसरा अपसेट हो चुका है पहला अपसेट जो हमने देखा था इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान कल ही हुआ है और आज जो है सबसे बड़ा अपसेट हो गया मेरे हिसाब से 2022 में भी अपसेट हुआ था और आज भी अपसेट हो गया साउथ अफ्रीका वर्सेस नजरलैंड और नैदरलैंड जीत गई है और बहुत आसानी से जीत गई मेरे हिसाब से तो साउथ अफ्रीका तो ने उस तरह की बैटिंग की नहीं उस तरह की परफॉर्मेंस दी नहीं आज जिस तरह की देनी चाहिए थी टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं पूरे मैच की तो जिस तरह की बॉलिंग स्टार्ट की थी साउथ अफ्रीका ने अच्छी की थी जल्दी विकटें भी ले ली थी बट फिर जो छः आउट होने के बाद जो उन्होंने ग्रिप्स पकड़ी अपने गेम पे नैदरलैंड ने जिस तरह मैच को पलटा है जिस तरह स्कोर करा है आई थिंक उनके जो कैप्टन ने स्कोर करा आई थिंक वो था टर्निंग पॉइंट जहाँ से उन्होंने दो रन स्कोर कर दिया तैंतालीस ओवर में जो बहुत ही मुश्किल हो गया साउथ अफ्रीका के लिए बनाना और के लिए चेस करना क्योंकि तैंतालीस ओवर एक तो ऊपर से बारिश हो गई बॉल जो है स्पिन हो रहा था बॉल स्किट हो रहा था जिसकी वजह से और मुश्किल हो गई थी कंडीशन वहाँ पे 245 सौ रन स्कोर करना साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो गया ऊपर से दो चार विकटे गिर जाना शुरू में चार विक्टे गिर के मिलर पे सारा प्रेशर आ गया था मिलर और आपके क्लासन अगर मिलर और क्लासन खड़े रहते तो मैच बन भी जाता बट स्टिल उन्होंने नैदरलैंड ने बिल्कुल मैच को ईजी नहीं लिया और मैच के साथ साथ विकटों के साथ साथ और विकटे लेते गए जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका पर प्रेशर बना रहा और मैच जो है ईजिली साउथ अफ्रीका जो है हार गया और नदरलैंड ने ईजीली मैच जीत लिया अच्छा अभी BCCI के तमाम तर थोड़े से सामने आए हैं और भाई, glad, all, भाई and and नहीं है hmm. तो भाई सीधी सीधी बात यह आप खुशियां मनाए तो जिस तरह से वो चिकेन पैसे, पैसे उनके हैं कमाव हो रहे हैं लगाव हो रहे हैं उनकी मर्जी है वो किश्ती पे क्रिकेट का मैच करा दें वो रेगिस्तान में करा दें उनकी मर्जी है आपको खेलना पड़ेगा वो बिक जाएगा बिक भी जाएगा खेलना भी पड़ेगा भी तो आ तो उनकी जाएगा। चल रही है तो इसलिए खामोश करके जो मुझे तो मुझे वो जो कह रहे मान लो मैं क्या मुझे ऐसा लगता है ठीक है अभी जो है ना वो एक अलग है मेरी भी अपने कुछ मामला बट इंडिया और पाकिस्तान ने साथ ही क्रिकेट शुरू की थी ना ऐसा तो नहीं था ना आजाद होने के बाद बहुत सारी चीजें लगभग आगे पीछे ही हुई थी तो भाई इंडिया ने मेहनत की इंडिया ने अपना सिस्टम क्रिएट किया है इंडिया ने देखा है कि उनको अपने प्लेयर्स कैसे निकाल के लाने yes. हैं वरना जितना मुश्किल वहाँ पर होना चाहिए आपके इतने से पाकिस्तान में से आप प्लेयर्स नहीं निकाल yes. पा रहे उनके लिए इवेंट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे आप डोमेस्टिक के ऊपर रोशनी नहीं डाल पा रहे प्लेयर्स को आप ज़ाया कर देते हैं उनको आप वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं फैसिलिटीज़ एवरीथिंग नहीं दे पाते वो अपने इतने बड़े मुल्क के अंदर जिसमें से चार पाकिस्तान निकल आते हैं उनको कर रहे हैं न, है और वो है कि उन्होंने अपने हर उरूज को जवाल भी होता है हमें अपने आप को यूटिलाइज ऐसे करना चाहिए कि हमारा अच्छा नाम ज्यादा बड़ा हो जाए और बुरा नाम छोटा ही रहे क्योंकि गलतियां तो सब करते हैं तो आई थिंक वन ऑफ इसी के साथ टाटा